जय हिंद साथियों। क्या यूपी पुलिस का जो रेडियो संबर की भर्ती चल रही है, इसका टेंडर फाइनल होने वाला है जैसे 30 तारीख लगी है, या अभी डेट और आगे बढ़ेगी? और आपकी लिखित परीक्षा कब तक करा सकते हैं ये, और इस भर्ती को कंप्लीट कब तक करा सकते हैं, और भर्ती बोर्ड में क्या चल रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। मैं आपका दोस्त हरिपाल सिंह स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल हरिपाल यूपीपी मोटिवेशन पर। और आज मैं बात करूँगा रेडियो संवर्ग की भर्ती। काफ़ी समय हो गया, मेरे भाई बहन इंतज़ार कर कर के एक प्रकार से डीमोटिवेट हो गए हैं कि अब हम क्या करें, तैयारी करें भी या ना करें। तो काफ़ी भाई बहनों के कमेंट आए और फ़ोन भी आए कि सर इस पर कुछ जानकारी मिल रही हो तो बिल्कुल अपडेट कीजिए। तो ऐसा है, जब आदमी जुड़ा रहता है तो सबका मन करता है कि कुछ ना कुछ अपडेट मिली होगी। तो अभी आप लोगों की जो अपडेट यही है कि 30 तारीख आपका जो टेंडर की प्रक्रिया की फाइनल इन्होंने रखी है। देखना यही है कि टेंडर की प्रक्रिया फाइनल हो जाएगी तो फिर आपका एग्ज़ाम, वैसे अब सबसे पहले एग्ज़ाम आप ही का होना है क्योंकि बाकी भर्तियां तो निकलनी हैं, आपकी निकली हुई है, फॉर्म पड़े हुए हैं। तो बिल्कुल कमर कस लीजिए, इसी साल में आप सिलेक्शन ले जाएंगे। जो यही 3 या 4 महीने जो भी बचे हैं इसमें ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, क्योंकि उन्होंने अपने नोट जो अपना अखबार में भी निकाले हैं, वैसे भी जो इनका बोर्ड का बयान है वो यही है कि आपकी जो दिसंबर तक भर्ती परीक्षा रेडियो शंबर की और इसमें पुलिस कांस्टेबल, ये सारी भर्तियां जो हैं, जो चल रही हैं, प्रचलन में हैं, तो वो भर्तियां दिसंबर तक सब कंप्लीट कर दी जाएंगी। तो दोस्तों कुछ आपके जो क्वेरीज हैं इन पर मैं लिखा हूं। तो यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती एग्ज़ाम की बात है, पुलिस रेडियो संबर की परीक्षा कब होगी? तो दोस्तों टेंडर की प्रक्रिया फाइनल होने के बाद ही होगी, पर 2023 में ही कन्फर्म होगी, 101% होगी दोस्तों इसी वर्ष। और आपको कमर कस लेनी है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। जब परीक्षा भी नहीं होगी, कुछ बच्चे कह रहे हैं परीक्षा तो अभी होगी नहीं तो पढ़ाई क्यों करें, दोस्तों ऐसा नहीं है। आपको पढ़ना है, क्यों, हमें अपना सिलेक्शन लेना है, तो सिलेक्शन लेने के लिए हमको पढ़ना होगा, किसी के बहकावे में नहीं आना है। इसके बाद दोस्तों टेंडर डेट क्या आगे बढ़ेगी, दोस्तों इस चीज़ का भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि जब तक इस प्रकार की वहाँ से कोई नोटिस ना मिल जाए कि हाँ कंपनी टेंडर ले लिया, तो हो सकता है टेंडर की प्रक्रिया 2-4 दिन या फिर से दोबारा अगर निकले। वैसे उम्मीद है कि आपका जो है 99% जो है टेंडर की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। और इसके तीनों शिफ्ट, तो कुछ बच्चों का है जैसे कि कुछ ने वर्कशॉप में भरा, क्यों उसमें कोई एक्स्ट्रा डिग्री नहीं मांगी थी, तो खाली 10वीं पास मांगा था, मतलब अपना 12वीं पास, तो क्या इसमें दोस्तों तीनों में साइंस एक सी आएगी क्या? तो दोस्तों तीनों की साइंस लमसम सेम रहेगी, बस थोड़ा सा लेवल बदल जाएगा। अब बात यह है कि तीनों का पेपर अलग अलग होगा। जी हाँ, अलग अलग होगा पेपर। पेपर क्या होगा? अलग अलग होगा। पेपर क्या होगा? अलग अलग होगा। और साइंस जो है थोड़ी थोड़ी बदल जाएगी, जैसे कि अपना साइंस तो वही रहेगी पर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा कम बढ़ती रहेगा। जैसे क्या, वर्कशॉप है तो इसमें थोड़ा सा जो है पेपर का लेवल आसान रहेगा साइंस का, ठीक है। बाकी हिंदी हो गई, मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, जीके जीएस हो गई, तो ये तो सारे सेम ही रहेंगे, बस लेवल थोड़ा सा डाउन रहेगा, ठीक है, लेवल का अंतर रहेगा। कोर्स कैसे कंप्लीट करें? तो दोस्तों इसके लिए आप किसी आसपास में कोचिंग सेंटर अगर आपके हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं, ऑफलाइन भी, मतलब कोचिंग सेंटर जा सकते हैं, ऑनलाइन भी किसी का कोर्स परचेस कर सकते हैं। किसी का हम सजेशन नहीं करेंगे कि उसका कोर्स परचेस आप करें, जिसका आपको समझ में आए उसका कोर्स परचेस करें। कभी भी एक टीचर के पीछे, एक कोचिंग सेंटर के पीछे सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता, या एक किताब के पीछे, हमको इसके लिए कई किताबों की, कई टीचरों की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये आपके सवाल थे जो मैंने पाए, तो मैंने सोचा अपने भाइयों को ज़रूर सूचना दूं। तो रेडियो संपर्क की यही जानकारी है आपका, 30 तारीख में जैसे भी होगा क्लियर हो जाएगा, पर यही मैं कहूँगा 2023 के अंदर ही अंदर आपका एग्ज़ाम भी होगा, सिलेक्शन भी होगा। तो दोस्तों मेहनत बिल्कुल दम लगा कर करते रहें। अगर आप अब तक मेहनत करते करते यहाँ तक आए हैं तो मेहनत को ना छोड़ें। कुछ बच्चे कह रहे हैं हम तो नौकरी करते थे, कहीं पर काम करते थे प्राइवेट, उसको छोड़ के आए हैं, रेडियो संपर्क का पेपर नहीं हो रहा। तो दोस्तों आपकी ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा सब लोग कहेंगे कि हाँ सही बात थी, आपका सिलेक्शन होना ही था, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।